यानी कि क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका एंडगेम में टाइम ट्रेवल करने के बाद बूढ़े नहीं हुए होते। तो इस व्हाट इफ की शुरुआत 1949 से होती है, जहां इस व्हाट इफ में एक्चुअल एमसीयू से डिफरेंट ये होता है कि यहां 1949 में अमेरिका के एक मिलिट्री रेस में हाइड्रा के बॉम्ब ब्लास्ट कराने की वजह से पैगी कार्टर की मौत हो जाती है। फिर समय बीतता है और एंडगेम के टाइमलाइन यानी 2024 में थैनोस को हराने के बाद कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में पहुंचाने जाते हैं, जिसके बाद वे टाइम ट्रेवल करके 1945 से लेके 1949 तक पैगी के साथ छिपकर रहने लगते हैं। फिर जिस दिन पैगी की मौत होने वाली होती है उस दिन कैप्टन अमेरिका वापस एंडगेम के ओरिजिनल टाइमलाइन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरुमा ने कैप्टन को बताया था कि अगर वे पैगी की जान बचाने की कोशिश करेंगे तो इससे पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और गुरुमा की इसी वार्निंग की वजह से कैप्टन अमेरिका पैगी की जान बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। कैप्टन अमेरिका अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में आने के बाद उन लोगों की मदद करने लग जाते हैं जो कि अब बेघर हो चुके हैं। दरअसल ये वे लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं और इनके पास रहने के लिए मकान और खाने के लिए सामान भी नहीं है। जब थैनोस ने स्नैप करके दुनिया की आधी पॉपुलेशन को धूल बना दिया था तब ये लोग उन अमीरों के घरों में रहने चले गए थे जो कि धूल बन चुके थे, पर अब उन लोगों के वापस आने की वजह से ये लोग फिर से बेघर हो चुके हैं। इसीलिए कैप्टन अमेरिका और GRC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को सही मायने में खाना, कपड़ा और दवाई नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच कैप्टन को ये न्यूज़ मिलती है कि रसिया में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और जब इस बॉम्ब ब्लास्ट के पहले का CCTV फुटेज चेक किया जाता है तब रसियन गवर्नमेंट को उन CCTV फुटेज से ये पता चलता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट को कैप्टन अमेरिका ने किया है। हालांकि वह कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन का बहरूपिया था, इसीलिए कैप्टन उस बहरूपिया का पता लगाने रसिया चले जाता है। पहले तो कैप्टन अमेरिका को ये लगता है कि ये CCTV फुटेज फेक है, पर जब रसिया के कई जगहों पे कैप्टन अमेरिका का वह बहरूपिया नजर आता है तब कैप्टन ये समझ जाता है कि वह कोई बहरूपिया नहीं बल्कि दूसरे टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका है, जो कि इस टाइमलाइन में एवेंजर्स के समय में छेड़छाड़ की वजह से आ फंसा है। इसीलिए कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि वे उस दूसरे कैप्टन अमेरिका से मिलेंगे और उसे उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्रूस की मदद से पहुंचा देंगे। पर तभी कैप्टन को US गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर मिलता है कि वह वापस न्यूयॉर्क आ जाएं, क्योंकि US और रसिया के आपसी रिश्ते काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और रसिया ये चाहती थी कि कैप्टन अमेरिका को प्रिजन में बंद कर दिया जाए क्योंकि उसने रसिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। लेकिन ये न्यूज़ मिलने के बाद भी कैप्टन अमेरिका वापस US नहीं लौटते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी टाइमलाइन के कैप्टन अमेरिका को ढूंढना था। फिर जब कैप्टन वापस न्यूयॉर्क नहीं लौटते हैं तब US गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका को एक देशद्रोही और भगोड़ा घोषित कर देती है ताकि US और रसिया के आपसी रिश्ते पहले की तरह ठीक हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में फैल्कन को यह पता चलता है कि अमेरिका में फ्लैक मैसेस नाम की एक ग्रुप कई जगहों पर चोरी कर रही है, तो वे बक्की के साथ उन्हें पकड़ने जाता है, पर फ्लैक मैसेस के लोग उन दोनों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। तब फैल्कन को यह पता चलता है कि फ्लैक मैसेस के सभी लोग कैप्टन अमेरिका की तरह पावरफुल हैं और वे लोग भी सुपर सोल्जर हैं। इसीलिए फैल्कन कैप्टन को ये बोलता है कि वे जल्दी से जल्दी रसिया वाला मामला निपटाए और यहाँ वाला मामला देखे। फिर एक दिन कैप्टन अमेरिका को रसिया में वे बहरूपिया दिखी जाता है। तब कैप्टन उस दूसरे कैप्टन अमेरिका को पूछता है कि तुम कौन हो, पर वे कैप्टन को बिना कुछ जवाब दिए भागने लगता है। फिर जब कैप्टन उसे पकड़ लेता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी दूसरे टाइमलाइन वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है बल्कि एक स्क्रल है जो कि कई दिनों से कैप्टन का रूप लेकर रसिया में घूम रहा था और इसी ने बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाया था। पर तभी वहाँ उस स्क्रल के कुछ साथी भी आ जाते हैं और उन लोगों की मदद से वे स्क्रल भी वहाँ से भाग जाता है। फिर कैप्टन वापस न्यूयॉर्क आते हैं और वे निक फ्यूरी से उन स्क्रल के बारे में पूछते हैं। तब निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं उन स्क्रल्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब कैप्टन अमेरिका उसे कहते हैं कि तुम और कैरल रेनवर्स तो स्क्रल्स के दोस्त थे ना, जिस पर फ्यूरी उसे जवाब देता है कि हाँ दोस्त हैं, पर फिलहाल मैं किसी स्क्रल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और ना ही कैप्टन मार्वल से मेरी बातचीत हो पा रही है। निक फ्यूरी की यह बात सुनकर कैप्टन वहां से फैल्कन के पास चला जाता है, जिसके बाद निक फ्यूरी बना टैलोस जो कि एक स्क्रल था वे अपने असली रूप में आ जाता है और वे ये पता करने की कोशिश करता है कि वे कौन सा स्क्रल है जो कि कैप्टन अमेरिका का रूप लिए अर्थ में घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैग मैसेज GRC और US गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिसर्स को किडनैप कर लेती है। तब कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और बकी उन्हें फ्लैग मैसेज से बचाते हैं, जिस वजह से US गवर्नमेंट कैप्टन के ऊपर जो देशद्रोही और भगोड़ा का आरोप लगा था उसे हटा देती है, जिसके बाद US गवर्नमेंट फ्लैग मैसेज को गिरफ्तार करके प्रिजन में डाल देती है। फिर इसके दूसरे दिन मोरक्को में एक
एलिमेंटल दिखता है, जिसे मिस्टीरियो और उसके साथियों ने बनाया था ताकि वे निक फ्यूरी को बेवकूफ बनाकर मिस्टीरियो को दूसरे दुनिया का एक हीरो की तरह दिखा सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। टेलोस, जो कि निक फ्यूरी का रूप लेकर अर्थ में था, उसे मिस्टीरियो की बातों पे यकीन हो जाता है, जिसके बाद वे कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो की मदद और उन एलिमेंटल्स का खात्मा करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद मिस्टीरियो कैप्टन और स्पाइडरमैन को अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके यूनिवर्स को इन एलिमेंटल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये इस यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने आ गए हैं। इसीलिए उसे इन एलिमेंटल्स को रोकने के लिए कैप्टन और स्पाइडरमैन की मदद की जरूरत होगी। फिर प्राग सिटी में मिस्टीरियो एक फायर एलिमेंटल बनाकर हमला कराता है और वह कैप्टन और स्पाइडरमैन के साथ मिलकर उससे लड़ना शुरू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद मिस्टीरियो अपनी जान पर खेल कर उस एलिमेंटल को मारने का ड्रामा करता है, जिससे निक फ्यूरी, कैप्टन और स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि मिस्टीरियो उन सबसे बेहतर हीरो है। इसीलिए स्पाइडरमैन एडिट ग्लासेस का कंट्रोल मिस्टीरियो को दे देता है, जिसके बाद कैप्टन उन स्क्रल ग्रुप का पता लगाने और स्पाइडरमैन अपनी स्कूल ट्रिप पे लौट जाते हैं। पर उसी रात एमजे को मिस्टीरियो का एक ड्रोन का टुकड़ा मिलता है, जिससे स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो की सच्चाई का पता चल जाता है, जिसके बाद वे इस बारे में कैप्टन को बताता है और वे दोनों मिस्टीरियो से एडिट ग्लासेस वापस लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियो को भी ये पता चल जाता है कि अब कैप्टन और स्पाइडरमैन को उसकी सच्चाई का पता है, इसीलिए वे इन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है। पर कैप्टन और स्पाइडरमैन दोनों मिस्टीरियो के हमले से बच जाते हैं, जिसके बाद मिस्टीरियो लंदन में एक बहुत बड़ा एलिमेंटल बनाकर दुनिया को ऐसा दिखा रहा था कि वे इस एलिमेंटल से अर्थ की प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर तभी वहां कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन आ जाते हैं और वे दोनों मिस्टीरियो की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मिस्टीरियो पूरे लंदन में तबाही मचाना शुरू कर देता है और जब कैप्टन उसे रोकने जाते हैं तब मिस्टीरियो कैप्टन अमेरिका पे गोलियों की बरसात कर देता है, जिससे कैप्टन वहीं नीचे एक नदी पे गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद स्पाइडरमैन फाइनली मिस्टीरियो से एडिट ग्लासेस छीन ही लेता है, जिसके बाद वे कैप्टन अमेरिका को ढूंढने जाता है, पर कैप्टन उसे कहीं नहीं मिलते हैं और ये बात स्पाइडरमैन निक फ्यूरी को बताता है, जिसके दो दिन बाद न्यूज में ऐसा दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो और कैप्टन अमेरिका को मार दिया है और लंदन में जितनी भी तबाही मची है इन सब का जिम्मेदार स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर है। दरअसल ये सारी फेक न्यूज मिस्टीरियो के साथियों ने फैलाई थी ताकि सभी को ऐसा लगे कि मिस्टीरियो भी कैप्टन और आयरन मैन की तरह ही एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है, जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका एक मशीन में बंधे हुए होते हैं और उनके चारों तरफ स्क्रल्स का एक ग्रुप होता है, जिसके बाद उनमें से एक स्क्रल, जो कि कई दिनों से कैप्टन अमेरिका का रूप लिए घूम रहा था, वह कैप्टन अमेरिका की सारी मेमोरीज को भी कॉपी कर लेता है, जिसके बाद वे एक ब्लैक सूट पहनकर पूरे न्यूयॉर्क में मारकाट मचाना शुरू कर देता है। फिर वहां फाल्कन और बकी आते हैं और वे दोनों इसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे दोनों मिलकर भी इसे रोक नहीं पाते हैं क्योंकि इसने बस कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज ही नहीं बल्कि उसकी सारी पावर्स को भी कॉपी कर लिया था। दरअसल ये कोई नॉर्मल स्क्रल नहीं बल्कि एक ऐसा स्क्रल है जो कि किसी की भी पावर्स को कॉपी कर सकता था। वहीं जब ये बात स्पाइडरमैन को पता चलती है कि कैप्टन अमेरिका ब्लैक सूट पहनकर पूरे न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा है तो वे उसे रोकने जाता है, पर तभी वहां मिस्टीरियो के इनविजिबल ड्रोन्स आ जाते हैं और वे स्पाइडरमैन को फेक इल्यूजन्स में फंसा देते हैं, जिसके बाद वहां मिस्टीरियो के कुछ साथी आते हैं और वे लोग स्पाइडरमैन से एडिट ग्लासेस छीन लेते हैं, जिसके बाद वे स्क्रल, जो कि कैप्टन अमेरिका का रूप लिया हुआ था, वे स्पाइडरमैन को मार देता है और स्पाइडरमैन के डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है ताकि उसके साथी स्पाइडरमैन के रूप और उसके पावर्स को भी कॉपी कर सकें, जिसके बाद उस ग्रुप का एक स्क्रल स्पाइडरमैन का रूप ले लेता है। फिर वे उसकी सारी पावर्स को भी कॉपी कर लेता है, जिसके बाद वे एडिट ग्लासेस को भी यूज कर पा रहा था और यहीं पर व्हाट इफ खत्म हो जाती है। इस व्हाट इफ के पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि उन स्क्रल्स ने कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के अलावे आयरन मैन और हल्क को भी रिप्लेस कर दिया है। अगर आप इस व्हाट इफ का नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्या होता अगर स्क्रल सभी एवेंजर्स की जगह ले लेते हैं ये देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो कि सिर्फ ₹2 में एंड गेम मूवी को सिनेमा घरों में देखना चाहता है। क्या कहा तुमने अभी? सॉरी जबान फिसल गई। और अगर आप हमारे चैनल आर्मर गॉड पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को अलाउ पे कर दीजिए। आप चाहें तो इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्हाट इफ वीडियो और मार्वल से रिलेटेड